हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट हाउ टू मैनेज योर स्टडी विथ योर पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आपको इसमें से आइडिया आएगा आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो विथ स्टडी एंड विद द वर्क। सो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं लास्ट वीडियो को अपलोड किए हुए, लेकिन मैं खुद अपने जो टाइम मैनेजमेंट और जो स्टडी प्लस वर्क को मैनेज करने में था, तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपको क्या किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस चीज़ का टाइम ज़्यादा देना चाहिए और कैसे आप अपना वर्क और जो आपका स्टडी है वो मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आइडिया आएगा एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको क्या क्या फेस चैलेंजेस फेस करना होगा और कैसे आप उसको टैकल कर सकते हो, किस स्टूडेंट को कितना आवर्स काम करना चाहिए और उसके हिसाब से कैसे स्टडी मेंटेन करना चाहिए। सो से फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट आया है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इन जनवरी इनटेक और अभी चल रहा है मई, तो उनको अभी तक जॉब नहीं मिला है। तो और अभी अगर उनको जाके जॉब मिल रहा है तो उनके पास बहुत कम टाइम होगा अपनी जो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस पे करना होगा, बिकॉज फ़ीस पे करने का जो ड्यू डेट आ जाएगा वो अराउंड अक्टूबर टू नवंबर। सो लाइक अराउंड 3 to 4 मंथ्स हो गया उनके पास जो फ़ीस कलेक्ट करने के लिए, और फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो उस चक्कर में उनकी GIC भी यूज़ हो चुकी होती है और उनको फ़ीस भी पे करना होता है और उनको स्टडी भी करना होता है। तो उनके लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि लाइक अगर वो 40 आवर से ज़्यादा करते हैं तो लाइक मैं रिकमेंड नहीं करता कि 40 आवर से ज़्यादा मत करो, स्ट्रेच मत करो, लेकिन वी नीड टू हैव अ मनी फॉर पेइंग ऑफ स्कूल फीस। सो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो घर से पैसे नहीं मंगवाते, जो स्टूडेंट घर से पैसे मंगवाते जो रिच फैमिली से आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको ये ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जैसे कि हमें आया था यहाँ पर, तो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस अगर मैं खुद से पे करने वाला हूँ और मेरी जॉब अगर मई में लग रही है तो मैं मोर देन 40 आवर्स करूँगा। और दूसरे स्टूडेंट होते हैं जो जनवरी इनटेक में आए हैं और उनकी जॉब आने के साथ 1 मंथ में ही लग गई थी, तो वो स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूँगा कि 40 आवर्स करेंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो थर्ड स्टूडेंट होते हैं जिनकी आने के साथ जॉब लगी थी और जो रिच फैमिली से आते हैं, जिसकी आने के साथ जॉब लगी थी और नहीं लगी है वो रिच फैमिली से, तो अगर वो 20 आवर्स ही करेंगे तो भी उनके लिए दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उनको सिर्फ अपना एक्सपेंस निकालना होता है, बिकॉज फ़ीस उनकी फैमिली नेक्स्ट आगे जाके पे कर देगी। तो हम उनको कवर नहीं कर रहे, अभी हम दो टाइप के स्टूडेंट को कवर कर रहे हैं। एंड लास्ट में मैं बताऊँगा मैं अपना एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे जॉब मैं कैसे टाइम मैनेज करता हूँ मेरी जॉब के साथ, और मैं कौन सी जॉब करता हूँ, कितने आवर्स करता हूँ और कैसे मैं अपनी स्टडी मेंटेन करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं अबाउट द स्टूडेंट हु केम टू जनवरी इनटेक एंड दे आर हार्ड टू फाइंड अ जॉब एंड दे फाइंड अ जॉब आफ्टर 4 मंथ्स और 5 मंथ्स। सो उन स्टूडेंट के लिए क्या होता है, उनको मोर देन 40 आवर्स काम करना होता है जस्ट टू यू नो कवर द GIC ऑल्सो एंड अबाउट द डेली एक्सपेंसिस ऑफ देयर लिविंग हियर एंड ऑल्सो टू कलेक्ट द फीस फॉर द थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। सो अगर वो 40 आवर्स से ज़्यादा करते हैं तो उनको हर दिन काम पे जाना होगा। अगर वो 12 आवर की शिफ्ट करते हैं तो 12 × 5 = 60, सो मोर देन 40 आवर्स आपके हो जाएंगे। अगर आप वीकडेज में आप 5 डेज़ काम करना चाहते हो विद योर स्टडी, सो वो आप कर सकते हो। और अगर आप वीकेंड्स पे काम, मैं एक रिकमेंड करूँगा कि आप वीकेंड्स पे ज़्यादा कर लो, लाइक से फॉर एग्जांपल ऑन फ्राइडे सैटरडे संडे यू कैन डू लाइक मोर देन 12 आवर्स, बट डू 12 आवर्स बिकॉज यू नीड सम रेस्ट टू कंटिन्यू द नेक्स्ट डे। सो 12 आवर्स अगर आप शिफ्ट करते हो तो आपके 36 आवर्स वहीं पे हो जाएंगे। और आप अगर वीकडेज में आपके अगर क्लासेस 2 आवर्स है या 4 आवर्स है एवरी डे, सो लाइक द रेस्ट ऑफ टाइम यू कैन डू अ वर्क। सो वी विल डिवाइड 24 आवर्स इनटू द 3 पार्ट। वहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं 12 आवर्स फॉर अ वर्क, 6 आवर्स फॉर योर स्टडी एंड 6 आवर्स फॉर योर स्लीप। So we can say for the weekdays it will be hard because you will have a 4 hours of class, so say for example somebody will have a 6 hour class. I can say 6 hours of sleep is more than enough for every student who are going to be study here, because 6 hours में आप आराम से चार्ज अप हो जाओगे आपका काम करने के लिए। और weekdays में मैं आपको recommend करूँगा कि आप 12 hours की जगह पर 8 hour की shift करो, ताकि आप 12 आवर की शिफ्ट वीकेंड्स पे कर दो, तो लाइक 12 12 12 36 आवर्स एंड देन 8 आवर्स, 8 × 5 = 40। सो जनरली आई विल नॉट रिकमेंड टू वर्क 7 डेज अ वीक। सो आपको अपने आप को भी मी टाइम देना चाहिए। सो अबाउट यू कैन वर्क 5 डेज, सो 3 डेज अबाउट 12 आवर 36 एंड 8 आवर शिफ्ट फॉर
So like you will get 16 hours or 36 is 52 hours. So 52 hours is a minimum. So depending if you want to work more, don't work more than 60 hours. So according to इसके हिसाब से अपना जो calculation कर सकते हो. और वीकडेज पे आप 12 आवर्स की शिफ्ट कर रहे हो तो आपके पास टाइम होगा अराउंड 12 आवर्स मोर. सो आप घर आके आपका जो 6 आवर का स्लीप या आपको 8 आवर स्लीप करना हो तो आप वो कर सकते हो. बाकी का टाइम आप अपने आपको अपनी फैमिली को दे सकते हो, अपना खाना बनाना और अपने जो क्लोथिंग का जो अपने घर का काम होता है वो सब कर सकते हो. और अगर हम बात करें वीकडेज के लिए तो वीकडेज में अगर आप 8 आवर की शिफ्ट करते हो तो आपके पास बचते अराउंड 16 आवर्स. तो 16 आवर्स में आप 6 आवर्स की स्लीप लोगे और 10 आवर्स में आपका जो 6 आवर का मैक्सिमम वी कैन कैलकुलेट स्टडी. सो 4 आवर्स आप अपने जो फैमिली को और जो आपके जो घर के काम होते हैं जो लंच और डिनर होता है वो सब में आप लगा सकते हो. सो दैट्स द कैलकुलेशन फॉर द पीपल हु गॉट अ जॉब इन मे एंड दे हैव टू पे द फीस इन अबाउट 4 मंथ्स. सो दे कैन डू मोर देन 40 आवर्स. And now we will talk about the student who came in January intake and they got a job in 1 month, just like me, who got a job very early. Thankful to God. And हाँ, उस student को अगर जनवरी में ही job मिल चुकी है, जनवरी में job मिल चुकी है, तो वो अगर student 40 hours करेगा तो उसके लिए more than enough है अपनी जो third and fourth semester की fees pay करने के लिए. Because अभी तक उसने GIC को छुआ नहीं होगा. अगर वो 40 आवर्स कराए तो आराम से उसके GIC बच रही होगी. तो वो GIC अपने सेविंग अकाउंट्स में डाल के वहाँ से इंटरेस्ट भी अर्न कर सकता है और वहाँ से आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हो. थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस आपको 10,000 GIC मिलती है और वन सेमेस्टर की फ़ीस अराउंड 9,000 होती है, जैसे कि मेरे केस में. तो आई कैन ईजिली पे माई थर्ड सेमेस्टर फी विद द GIC. और जो मेरी सेविंग होगी मैं फेब्रुआरी से स्टार्ट हो जाएगी और मेरी जो फोर्थ सेमेस्टर की फ़ी है जनवरी इनटेक के लिए वो आएगी अराउंड मार्च. सो लाइक दे हैव इनफ टाइम टू पे देयर फीस. सो जो 40 आवर्स काम करना है वो मैं कैसे मैनेज करता हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ 40 आवर्स. सो आई विल प्रीफर टू वर्क मोर ऑन वीकेंड्स. आई विल हैव 4 डेज क्लास. सो आई विल वर्क ऑन फ्राइडे सैटरडे संडे एंड इन दैट 3 डेज आई विल डू 12 आवर शिफ्ट. So say for example, I will do a 12 hour night shift or I will do a day shift 12 hours depending on you, which is your beneficial for you. Because मुझे कोई problem नहीं है night shift करने में day shift करने में. But मैं एक important point को यहाँ पर notice करना चाहूँगा that night shift करोगे तो बहुत ज़्यादा body को effect होता है. ये personal experience से बताता हूँ. Because night shift करने के लिए आपको उससे पहले day में सोना होगा, फिर night shift में आपको जगना होगा, फिर आपको जो नेक्स्ट डे हो वहाँ पे भी आपको सोने में जाएगा. तो लाइक आपका 2 दिन एक ही नाइट शिफ्ट में चला जाएगा. तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा नाइट शिफ्ट करने के लिए. डे शिफ्ट अच्छा रहता है. डे शिफ्ट करके आओ 12 आवर्स की, आराम से अच्छे से सो, वापस डे शिफ्ट के लिए जाओ तो आपका टाइम भी बचेगा, आपको शिफ्ट स्लिप भी अच्छी मिलेगी. सो 3 डेज आप वीकेंड्स पे 12 आवर की शिफ्ट कर सकते हो सैटरडे संडे. एंड सैटरडे संडे करोगे तो 12 आवर 24 आवर्स. और बाकी के जो 16 आवर्स है आप कोई भी 2 दिन उठा के 8 आवर शिफ्ट कर सकते हो. बिकॉज वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको वीक का शेड्यूल आपको एडवांस में मिल जाता है कि आपको ये डे पे आना है और इतने आवर्स करना है. सब जगह पे फिक्स होता है 8 आवर की शिफ्ट और 10 आवर की शिफ्ट. तो आपको उतना जाना ही होता है आपके नेक्स्ट वीक के लिए, इरिस्पेक्टिव आपका स्टडी हो या कुछ भी हो. तो आप अगर अवेलेबिलिटी सही से देते हो तो आपको उस टाइम पर जाना ही होता है. बट मैं अभी जॉब कर रहा हूँ सिक्योरिटी के जॉब और आई एम ऑन अ कैजुअल पोजीशन. सो मुझे शिफ्ट पिक करना होता है, उनका ईमेल आता है और ईमेल पे मुझे अगर मुझे जाना हो तो मैं पिक करूँगा, नहीं जाना हो तो मैं पिक नहीं करूँगा. ये फिकले फ्लेक्सिबिलिटी हर किसी को नहीं होती और सिक्योरिटी की जॉब हर किसी को नहीं मिलती. बिकॉज आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो हर कोई रेडी नहीं होता करने के लिए. बट आई डिड बिकॉज आई नो दैट आई कैन डू द सिक्योरिटी जॉब. तो इस चक्कर में ऐसे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो अगर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो. ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप एलिजिबल हो 40 आवर्स जॉब करने के लिए तभी आप जॉब करना, ज़्यादा प्रॉब्लम में मत होना, मोर देन 20 आवर्स मत करना आप एलिजिबल नहीं हो तो. बिकॉज आगे जाके आपके PR के टाइम पे और आपके वर्क परमिट के टाइम पे इश्यू आ सकते हैं. और अगर आप मोर देन 20 आवर्स कर रहे हो कैश में तो कैश को मैनेज करना और कैसे आप आपको रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आपको सेव करोगे, तो ये सब झंझट में मत पड़ना. आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ स्टडी यू हैव टू वर्क फॉर 3 ईयर्स, थ्री ईयर्स. सो तब आप जितना कर सकते हो करो, ब्रेक टाइम में जितना कर सकते हो करो, लेकिन स्टडी टाइम पे मेन फोकस ऑन स्टडी, ट्राई टू लर्न मोर स्किल. बिकॉज मैं अपने स्टडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कंपेयर टू वर्क. और आई एम डूइंग सिक्योरिटी जॉब जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट टायरिंग जॉब, इट इज़ नॉट फिजिकल जॉब or physical demanding job, there is nothing like that. You can just sit and like, not every security job is like a sitting job, but some are the like different one. So like security job करने से मेरा body relax रहता है और मैं study पर focus कर पाता हूँ और मैं अपनी study को time दे सकता हूँ, अपनी sleep को time दे सकता हूँ. So अब मैं बताऊँगा आपका day का routine कैसा होना चाहिए. जैसा मैं आप से फॉर एग्जाम्पल मेरा routine बताता हूँ.
सपोज मेरा आई हैव माई क्लासेज फ्रॉम 8 to 10 एंड देन आई डोंट हैव एनी क्लास से फॉर एग्जाम्पल. सो वॉट आई विल डू, आई विल स्टडी फॉर माई क्लासेज इन द मॉर्निंग बाई वेक अप अर्ली फॉर मोर 1 आवर. सो लाइक आई विल टेक टाइम लाइक 8 o'clock को मेरा क्लास है तो मैं 2 hours का गैप लेके चढ़ता हूँ. लाइक 6 बजे मैं वेकअप जल्दी उठ जाता हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ ताकि लाइक फ्रेश होने में, ब्रेकफास्ट करने में और रेडी होने में आपको लाइक अराउंड हाफ एन आवर्स में लेता हूँ. तो एक 1.5 घंटा लगता है आपको सब कुछ कंप्लीट करने में और आपका आधा घंटा आपको कम्यूट में जाएगा डिपेंडिंग आप कहाँ पे रहते हो उसके हिसाब से. मेरे घर से अराउंड 10 मिनट्स होता है कॉलेज जाने के लिए तो मैं हाफ एन आवर उसके लिए सेपरेट रखता हूँ. सो लाइक 2 आवर्स में अपना ये सब चीज़ों के लिए लगता हूँ. और अगर मुझे स्टडी करना हो अर्ली मॉर्निंग सो मैं 1 आवर जल्दी उठ जाता हूँ. सो लाइक 8 बजे का क्लास है तो मैं 5 बजे उठ जाऊँगा. पहले मैं सारा काम कंप्लीट कर लूँगा, फ्रेश होकर रेडी हो जाऊँगा. 7 o'clock तक 6:30 तक मैं रेडी हो जाऊँगा. फिर 7:30 तक मैं पढ़ाई करूँगा 1 घंटा और वहाँ से मैं बाद में कॉलेज जाऊँगा. 8 to 10 कॉलेज अटेंड करूँगा. उसके बाद से फॉर एग्जांपल आई हैव माय शिफ्ट, मैं अपनी शिफ्ट के लिए 2 घंटे का टाइम पीरियड रखता हूँ. सो अगर मेरा 10 o'clock को क्लास कंप्लीट होता है तो मैं लाइक 2 आवर का गैप रखता हूँ तो 1 बजे की शिफ्ट होता हूँ. तो उस टाइम पीरियड में मैं घर आता हूँ, खाना खाता हूँ और बाद में कम्यूट करता हूँ. बिकॉज कभी कभी मेरी शिफ्ट लॉन्ग डिस्टेंस पे होती है, 1 आवर का जर्नी होता है तो 1 आवर का जर्नी उसके लिए और 1 आवर मेरा खाना पीने के लिए रखता हूँ. और उसके बाद जो शिफ्ट होती है वो अराउंड लाइक मैं आई विल टेक 8 आवर शिफ्ट एवरी टाइम. सो लाइक यूजुअली 8 आवर शिफ्ट आई विल टेक एवरी डे एक्सेप्ट फ्रॉम 1 to 2 days ऑब्वियसली फॉर माई मी टाइम. सो वो 8 आवर की शिफ्ट करके अगर आता हूँ से फॉर एग्जाम्पल 1 to 9 देन आई विल कम होम एट अराउंड लाइक आई विल टेक टिल 10. अगर आपकी शिफ्ट 1 to 9 है तो आप 10 पकड़ के चलो बिकॉज आपको निकलते थोड़ा 15-20 मिनट लग जाए तो आपको घर आते 10 बज जाएंगे. तो 10 बजे आके आई विल ईट माई डिनर एंड देन आई विल टॉक टू लाइक डिनर में आपको 10 से 11 से पकड़ के चलो और 11 से 12 में अपने फैमिली को देता हूँ, फैमिली से बात करता हूँ और रूममेट से बात करता हूँ ताकि रिलैक्स फील हो, माइंड रिलीफ हो. सो 12 o'clock आई विल गो फॉर बेड एंड देन अगेन द सेम रूटीन आई विल फॉलो. ऑब्वियसली हर रोज़ क्लास सेम नहीं होते, कभी कभी 6 आवर के क्लास होते हैं तो तब मैं ब्रेक लेना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ. तब उस दिन मैं जॉब नहीं करता ताकि मेरे जो क्लासेज होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर पाऊँ और अपने आप को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ. तो उस दिन मैं ज़्यादा मी टाइम दे देता हूँ ताकि सैटरडे संडे और फ्राइडे फैमिली को कम टाइम दूँ और लाइक स्टडी का वर्क पर ज़्यादा फोकस करूँ. ऐसे ही अपना रूटीन मेंटेन करके मैंने फर्स्ट जो मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है जो अप्रैल में कंप्लीट हुआ, अभी मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ. तो फर्स्ट सेमेस्टर में आई गॉट एन ऑनर टू गेट अ डीन्स ऑनर रोल. सो वो डीन्स ऑनर रोल उसको ही मिलता है जिसके लाइक जीपीए जो होता है यहाँ पे, जो आपका जो परसेंटेज काइंड ऑफ थिंग होता है यहाँ पे, वो आपका 3.9 से हायर होना चाहिए आउट ऑफ 4.2. सो आई गॉट अराउंड 3.95 इन जीपीए इन द फर्स्ट सेमेस्टर. सो आई गॉट एन ऑनर फॉर डीन्स ऑनर रोल एंड आई विल ट्राई टू मेंटेन डेट लेवल अगेन इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर. तो यही था आज के वीडियो में, आप अपना वर्क और टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो स्टडी के लिए और अपनी लाइफ के लिए. और कुछ ऐड करना रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में. और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल कर देना. और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे आपको मैं जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा. आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.